तो मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ क्लासिकल म्यूजिक की तरफ का, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ, क्योंकि मेरे फैमिली में बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिशियन या क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ा हुआ नहीं था। मेरी जो नानी है वो थोड़ा बहुत सीखी थी, और पर बाकी ऐसा कोई बैकग्राउंड या कुछ भी नहीं था। और मेरे मॉम डैड दोनों मतलब वर्किंग पेरेंट्स थे, बट उनकी इच्छा थी कि कोई ना कोई तो कला से हमारा ताल्लुक होना चाहिए लाइफ में, बस उनके दिमाग में इतना ही था। और वो दोनों वर्किंग थे, तो उन्होंने मुझे क्रेश में, जैसे बेबी सिटिंग बोलते हैं, वहां पर रखा था। तो वहां पे जिनके पास रखा था, उनके जो हस्बैंड थे, जो मेरे पहले गुरु पंडित चंद्रकांत पारकर जी, तो वो क्लासिकल म्यूजिक टीचर थे, वो अभी भी है हालांकि, वो सिखाते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 1.5 साल की उम्र से मैं वहां पर था, तो मेरे कानों पर वही म्यूजिक पड़ा है। मतलब आई कैन से दैट यू नो आई बीन इंट्रोड्यूस टू क्लासिकल म्यूजिक एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, और वही चलता था। और थोड़ा जैसे मैं बड़ा हुआ, तो ये उनसे ही मुझे जो पता चला है कि जैसे मैं बड़ा होते गया, तो बाकी जो बच्चे थे वो खेलते रहते थे, और वो उनका एक छोटा घर था पहले, तो अलग दूसरे एक रूम में वो सिखाते थे, तो मैं ऑटोमेटिकली वहां जाके बैठ के वो क्लासेस सुनता था।
और ऐसे कुछ साल तक चला। और जब मैं 5 साल का हुआ, मतलब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं, तो उन्हें लगा कि नहीं, इसको सच में बहुत रुचि है, हमेशा ये सुनता रहता है, तो उन्होंने फिर सिखाना मुझे शुरू किया। पर क्या हुआ कि वो 3-4 साल में जो भी था, इतना ऑलरेडी क्लासेस में सीखा था कि उन्होंने मतलब उन्हें मुझे सारेगामा से सिखाना पड़ा ही नहीं, मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी सबकॉन्शियस में था। उन्होंने रागों से शुरू कर दिया था, क्योंकि वो बिना सीखे इतने सालों से जो कानों में पड़ता है तो उसका बहुत असर होता है। और इसलिए हमारे गुरुजी और सभी क्लब म्यूजिशियन हमेशा कहते हैं कि लिसनिंग इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ लर्निंग म्यूजिक। एक्चुअली ऑलमोस्ट 80% ऑफ लर्निंग इज लिसनिंग टू म्यूजिक, तो उसका बहुत असर पड़ता है, और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। तो इसी तरह से मेरा जर्नी तभी शुरू हुआ था। हाँ, क्योंकि जब भी उन्होंने थोड़ा सा सिखाना शुरू कर दिया था, तो उनकी गुरु पूर्णिमा होती थी हर साल, जैसे सब जगह होती है, तो वहां मैंने पहली बार गाना शुरू कर दिया था। और मतलब मुझे तो फर्स्ट टाइम जो मैंने गाया था अभी भी याद है, छोटा गाना था पर वो मैं गाया था, तो बहुत कॉन्फिडेंटली वगैरह सब गाया था, तो सबको ही ताज्जुब हुआ था कि अरे ये एकदम 5 साल का है और इतने कॉन्फिडेंटली, और उसे भी अच्छा लग रहा है गाने में और मजा आ रहा है। तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम दे ऑल्सो रियलाइज कि हाँ, इसे सच में काफी अच्छी रुचि है। तो दैट वॉज अ सरप्राइज फॉर एवरीबडी। तो ये तो शुरू में मैं पंडित चंद्रकांत पारकर जी से सीख रहा था, और जैसे मैं थोड़ा बड़ा हो गया, 8-10 साल का, तो हमारा भी थोड़ा सा वी रिलोकेटेड टू वहीं पर पास में, बट थोड़ी अलग जगह पे। तो वहां से मुझे पारकर सर के यहाँ पर सीखना पॉसिबल नहीं था, तो उसके बाद 2-3 साल में उनके जो शिष्य है श्री प्रदीप धोन जी, उनसे फिर मैंने सीखना शुरू किया, और वहां पर मेरा भी इंटरेस्ट और बढ़ता गया। जैसे उन्होंने मतलब ख्याल म्यूजिक थोड़ा डीप में शुरू किया सिखाने में, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया। पर तब तक मतलब मेरा एकेडमिक्स और ये एक हॉबी जैसा मैं सीख रहा था वैसे ही चल रहा था, और मुझे डॉक्टर बनना था एक्चुअली, दैट्स अ लॉस्ट ड्रीम जो रह गया। और मेरा काफी फिक्स था कि मुझे आगे जाके मेडिकल साइंस और डॉक्टर बनना है, पर लाइफ चेंजिंग मोमेंट ये हुआ कि मैं जब भी 9th स्टैंडर्ड में था, तकरीबन 15 साल का, तो दहिसर में स्वानंद संगीत सभा करके है, अभी भी कार्यरत है, तो उन्होंने एक घराना सम्मेलन करके रखा था, और मैं तो हर क्लासिकल कॉन्सर्ट जो भी हो वो फर्स्ट लाइन में बैठ के अकेला सुनता था हमेशा। तो वहां पर चारों घराने का, मतलब किराना घराने से, आगरा घराने से, जयपुर और ग्वालियर, चारों के लेग डेम जैसा था। तो वहां पर मेरे गुरुजी डॉक्टर पंडित राम देश पांडे जी ग्वालियर घराने के बारे में बात करने के लिए आए थे, तो उनका लास्ट में था, और वो जब भी उनको मैंने फर्स्ट टाइम सुना, तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर इतना हुआ कि मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मुझे इनसे सीखना है और मुझे ऐसा गाना है। पर हुआ यह कि तभी मतलब ऐसा कोई एक्सेस नहीं था मुझे उनके पास, मतलब मैं कैसे सीखूं उनसे, रादर मैं कहूंगा 15 साल नहीं, मैं 13 साल का था तभी ये हुआ, और मुझे कोई एक्सेस नहीं था उनके पास सीखने का, या ना मैं उनको जाके मिलने का कोई अपॉर्चुनिटी था। तो मैंने क्या कि अगले 2 साल, मुझे अभी भी याद है, उनके जितने भी बॉम्बे और पुणे में प्रोग्राम्स हुए वो सब जाके मैंने अटेंड कर दिए, जितने भी हो रहे थे उनके 2 साल के लिए। और इतना कि मतलब 2 साल के बाद वो मुझे खुद पहचानने लगे कि ये 14-15 साल का लड़का मेरे हर एक प्रोग्राम में आता है और फर्स्ट लाइन में अकेला बैठ के अप्रिशिएट करता है म्यूजिक। तो समहाउ मैं जब 9th में था 15 साल का, तभी कोई ना कोई पहचान निकाल के हमने गुरुजी को अप्रोच किया और उन्हें कहा कि इसे सीखने की बहुत इच्छा है आपसे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो मैंने देखा है, मैं जानता हूँ इस लड़की को। तो फिर मैं उनके घर गया, उन्होंने मेरा गाना सुना, और आई वॉज फॉर्चुनेट कि उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब ही अग्रीड कि वो मुझे तालीम देना शुरू कर देंगे। तो उस तरीके से मेरा उनके पास जर्नी शुरू हुआ। हालांकि जब भी उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने एक क्या कहते हैं उसको, एक अट बोलते हैं ना, वैसा रखा था कि अगर आपको फुल टाइम म्यूजिक करना है तो ही मैं सिखाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हुआ ये कि मैं इतना म्यूजिक में घुस गया, वो 9th, जब भी मैंने उनसे शुरू किया तो 9th और 10th में इतना, मतलब पढ़ाई छोड़ के वही सब कर रहा था,
पर मेरे घर पे ऐसा माहौल है कि मेरे माँ पिताजी लाइक दे आर वेरी ओपन अबाउट इट एंड वेरी सपोर्टिव. तो उनका कहना था कि तुम्हें जो भी करना है वो यू शुड बी हैप्पी. तो तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुमको करना है. खाली उन्होंने एक चीज मुझे तभी बताया था 10th में, क्योंकि मैं इतना घुस गया था म्यूजिक में कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा था मुझे पढ़ाई करने का या कुछ भी. और 10th वैसे एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जिसे कहते हैं होता है. तो उन्होंने मुझे बैठ के एक बार यही समझाया था कि देखो बेटा तुम्हें ये करना तो अच्छा है और आगे तुम्हें अगर ये करना है तो वी विल सपोर्ट यू. पर ऐसा नहीं लोगों को लगना चाहिए कि तुम्हें कुछ आया नहीं 10th में इसके लिए तुम गाना कर रहे हो. मतलब एटलीस्ट तुम्हारा 10th ऐसा हो जाना चाहिए कि तुम मेडिकल में भी जा सकते हो या और भी कुछ कर सकते हो, पर एज अ चॉइस तुम म्यूजिक कर रहे हो, ये होना चाहिए. तो ये बात मेरे जहन में बैठ गई. और मतलब आई वॉज ऑलवेज डिसेंटली गुड स्टूडेंट आई वुड से. तो फिर लास्ट के 6 महीने में मैंने शुरू किया और आई गॉट फेयरली नाइस परसेंटेज इन द 10th स्टैंडर्ड. एंड जैसे हमने शुरू किया था तो तय किया था, उसके बाद मैंने म्यूजिक का ही डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर दिया था. तो मैं और कुछ नहीं कर रहा था. तो 12th स्टैंडर्ड और फिर हमें ऐसा लगा कि एकेडमिक्स का कुछ तो बैकग्राउंड होना चाहिए. तो 12th स्टैंडर्ड मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से कर दिया. तो दो वो 11वीं 12वीं दोनों चल रहा था, म्यूजिक का डिप्लोमा भी और 12th का कॉमर्स का ये भी, वो 2 साल. और वो होने के बाद फिर सभा मुझे ऐसा लगा, मुझे मेरी मॉम को सबको ही ऐसा लगा कि वो जो कॉलेज की जो एटलीस्ट नेक्स्ट 3 साल होते हैं तभी यू ग्रो एज अ पर्सन ऑल्सो. और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है लोगों के सामने जाने की. इट बिल्ड्स यू एज अ पर्सन. कॉम्पिटिशन्स होते हैं और सारी अपॉर्चुनिटीज होते हैं. यू लर्न अ लॉट बेसिकली आप वंस यू स्टेप आउट इन दैट वर्ल्ड. तो हमने गुरु जी को अप्रोच किया था और मैंने उनसे परमिशन लिया कि देखो ऐसा ऐसा है और मुझे मैं चाहता हूँ कि कॉलेज में मैं एडमिशन लूँ, पर मेरा ध्यान तो इसी पे रहेगा. और मतलब आई अश्योर यू कि मेरा गाने पे कोई असर नहीं पड़ेगा. तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर तुम्हें ऐसा ये करना है तो. और तो फिर हम मैंने उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया कि 3ों साल में जितने भी कॉम्पिटिशन्स थे यूनिवर्सिटी लेवल के और नेशनल लेवल से लेके कॉलेज लेवल के, उस सारे अटेंड किए. और लकीली मुझे सारे कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल तभी मिला था. तो वहां पे भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है. तो तब तक मेरा ऐसा था कि हाँ ये सिर्फ बीकॉम करना है और मुझे गाना करना है ऐसे. और जब ये टीवाई बीकॉम कंप्लीट हुआ मेरा, तो मेरे जो प्रोफेसर थे वो बहुत ही अच्छे थे अकाउंट्स के, और उन्होंने मेरी रुचि ये सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी टैक्सेशन इसमें बहुत बढ़ाई ग्रेजुएशन के टाइम. और somehow मुझे ऐसा लगा कि CA का एंट्रेंस एग्जाम दे के देखना चाहिए क्या फर्क पड़ेगा, नहीं होएगा तो नहीं होएगा ऐसा करके. तो TYBCOM होने के बाद जो उसका वेकेशन था 1-1.5 महीने का, उसी में मैंने प्रिपरेशन करके CA एंट्रेंस दे दिया. और गॉड्स ग्रेस की मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया फर्स्ट इसमें. और वो क्लियर होने के बाद फिर मजा आया, क्योंकि फिर वह फिर से गुरुजी के पास गया और उन्होंने मुझे मैंने कहा कि देखो मैं गाना तो चल रहा है, मुझे अभी एक CA इंटर का भी ये करना है. तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा भी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है. 12वीं से शुरू किया था, फिर ग्रेजुएशन भी कर लिया, अभी यही करना है. पर वो एट एनी मोमेंट वो ये जानते थे कि मेरा गाने से जो फोकस था वो कभी हट नहीं रहा था. सो ही वॉज हैप्पी अबाउट इट एंड ही वॉज दैट्स वाई ही वॉज वेरी सपोर्टिव कि तुम्हें वो भी करना है तो ठीक है वो भी करो. तो ऐसा करते करते आई केप पुशिंग इट टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो CA इंटर भी हो गया, फिर आर्टिकलशिप 3 साल के बाद CA फाइनल भी हो गया एंड गॉड्स ग्रेस सब फर्स्ट अटेम्प्ट में होता गया. और जैसे मेरा CA इंटर भी हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उनको भी एक अलग से एक प्यार और रिस्पेक्ट भी बढ़ रहा था कि ये लड़का म्यूजिक से फोकस भी नहीं हटा रहा है और ये भी उतने ही मन लगाकर और ये सिंसियरली कर रहा है. तो उनको ये मतलब ही ऑल्सो स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग दैट कि हाँ ये ऐसा ही नहीं कि ये कर रहा है म्यूजिक, अभी भी करेगा और उसके साथ ये भी करेगा. तो वो भी सपोर्ट करके फिर दैट्स हाउ आई वॉज बैलेंसिंग. ऑफकोर्स इट वॉज नॉट अ वेरी स्मूथ राइड, बहुत सारा कुछ एडजस्टमेंट्स और ये करने पड़ रहे थे. मुझे याद है एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये था कि
मेरा इंटर्नशिप आर्टिकलशिप चल रहा था, और सीए का आर्टिकलशिप स्पेशली अगर आप बिग फोर डेलॉयट वगैरह में हो तो बहुत हेक्टिक होता है। तो हमारा पूरा रात भर काम रहता था जब भी ऑडिट्स रहते थे, तो मेरा सुबह से रात तक शाम तक मैंने काम किया। और मेरा पार्ला में कॉन्सर्ट था, और अच्छा ये था कि वो कॉन्सर्ट में खुद किशोरी ताई जी वो भी आए थे सुनने, तो इट वॉज लाइक अ वेरी मेमोरेबल कॉन्सर्ट फॉर मी। तो ऑफिस से मैं डायरेक्टली कॉन्सर्ट पे गया था, वहाँ पे 3 घंटा जो भी था वो कॉन्सर्ट किया। कॉन्सर्ट लकीली ठीक ठाक हुआ और उनका आशीर्वाद भी मिला। और फिर वहाँ से मैं रात को 10 बजे फिर से ऑफिस गया 12 बजे, और सुबह 6-7 बजे तक काम किया। तो ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं स्टंट्स, और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। इस तरीके से बैलेंस हो रहा था। सो या ऑफ कोर्स इट वाज नॉट लाइक अ वेरी स्मूथ थिंग टू डू, बट वेरी इंटरेस्टिंग और या अच्छा था। तो इस तरीके से पूरा बैलेंस हुआ।